दोस्तों पहले वनडे मैच में केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, लेकिन भारतीय टीम का प्रदर्शन पहले वनडे मैच में बेहद ही खराब रहा। जहाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच पहला वनडे मैच खेला जा चुका है, और इस वनडे मैच में जहाँ बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जब भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित और शिखर धवन ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे तो ये दोनों बल्लेबाज भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिलवा पाए। क्योंकि जहां एक तरफ इस मैच में शिखर धवन बेहद ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी लय इस मैच में पूरी तरह गायब थी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा आज के मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को पहला झटका 23 रन के स्कोर पर मेहंदी हसन ने देकर शिखर धवन को आउट कर दिया था, और धवन केवल 7 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं धवन के आउट होने के बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे थे, जहां एक तरफ इस मैच में रोहित शर्मा एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब इसके बाद 11वां ओवर शाकिबुल हसन डालने आए तो उन्होंने इस ओवर में भारतीय टीम को दो बड़े झटके देकर रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक के बाद एक आउट कर दिया। जहां रोहित शर्मा 31 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए थे, तो विराट कोहली केवल 9 रन बनाकर आउट हुए। जहां भारतीय टीम के तीन बड़े विकेट केवल 49 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। हालांकि इसके बाद श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 43 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली थी, और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज अब भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाएंगे। लेकिन तभी भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका 92 रन के स्कोर पर इबादत हसन ने देकर श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया, और अय्यर केवल 24 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बैटिंग करने वॉशिंगटन सुंदर उतरे, और जहां एक तरफ से वॉशिंगटन सुंदर केएल राहुल का साथ दे रहे थे, और इन दोनों बल्लेबाजों ने पांचवे विकेट के लिए 60 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी कर ली थी। लेकिन तभी 162 रन के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शाकिबुल हसन की गेंद का शिकार बन बैठे, और सुंदर केवल 19 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में केएल राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे, लेकिन एक के बाद एक भारतीय टीम के दूसरी तरफ विकेट गिरे जा रहे थे। और इसके बाद बैटिंग करने सहबाज अहमद उतरे, और अहमद इस मैच में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। तो वहीं इसके बाद 156 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को एक बार फिर से शाकिबुल हसन ने बैक टू बैक दो बड़े झटके देकर शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को आउट कर दिया। जहां एक तरफ इस मैच में केएल राहुल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के स्कोर को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो भी 178 रन के स्कोर पर इबादत हसन की गेंद का शिकार बन बैठे, और केएल राहुल 70 गेंदों में 4 छक्के 5 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं इसके बाद आखिरी में आकर मोहम्मद सिराज ने एक चौका जड़ा, लेकिन वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए और वो भी 186 रन के स्कोर पर 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस तरह भारतीय टीम केवल 186 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, और भारतीय टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई, और इस तरह भारतीय टीम का प्रदर्शन इस मैच में बेहद ही खराब रहा। जहां इस मैच में बांग्लादेश की तरफ से शाकिबुल हसन को 5 बड़े विकेट हाथ लगे, तो इबादत हसन ने भी 4 विकेट झटके थे, और अब बांग्लादेश की टीम को ये मैच जीतने के लिए केवल 187 रन बनाने थे। और जब इसके बाद बांग्लादेश की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनको पहला झटका पहली ही गेंद पर दीपक चहर ने देकर नाजिबुल हसन को आउट कर दिया था। जहां इस मैच में पहला झटका बांग्लादेश को पहली ही गेंद पर लग गया था, लेकिन एक तरफ इस मैच में कप्तान लिटन दास काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो तभी इसके बाद 26 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका मोहम्मद सिराज ने देकर अनामुल हक को आउट कर दिया, और अनामुल हक 14 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद बैटिंग करने शाकिबुल हसन उतरे, और इसके बाद लिटन दास और शाकिबुल हसन काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी संभल कर बांग्लादेश की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 48 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी, जहां ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश को जीत के करीब ले जा रहे थे। लेकिन तभी इसके बाद 74 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को तीसरा झटका वॉशिंगटन सुंदर ने देकर लिटन दास को आउट कर दिया, और लिटन दास 41 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद शाकिबुल हसन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने 95 रन के स्कोर पर उन्हें भी आउट कर दिया, और शकीब 29 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद एक तरफ से मोहम्मदुल्लाह और मुस्तफिजुर रहीम काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो एक के बाद एक कई सारी गेंदें खाली भी कर रहे थे। जहां ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करके रन बना रहे थे और पूरी तरह मैदान पर टिक गए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को एक के बाद एक 128 रन के स्कोर पर भारतीय गेंदबाजों ने आउट कर दिया। जहां पहले मोहम्मदुल्लाह को शार्दुल ठाकुर ने आउट करा, और मोहम्मदुल्लाह 14 रन बनाकर आउट हुए,
तो वहीं इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने मुस्तफिजुर रहीम को क्लीन बोल्ड मार दिया और मुस्तफिजुर रहीम 18 रन बनाकर आउट हुए। जहां इस लो स्कोर के मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करके इस मैच में बांग्लादेश को पूरी तरह पछाड़ दिया था। और इसके बाद कुलदीप सैन ने अपने एक ही ओवर में बांग्लादेश को दो बड़े झटके देकर आफिफ हुसैन और इबादत हसन को आउट कर दिया था। तो इसके बाद मोहम्मद सिराज ने 136 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को नौवा झटका देकर हसन महमूद को आउट कर दिया और इस तरह बांग्लादेश के 9 विकेट 136 रन के स्कोर पर गिर चुके थे। लेकिन एक तरफ से मेहंदी हसन इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक के बाद एक कई छक्के भी जड़ दिए थे। वहीं इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए लगभग मेहंदी हसन को आउट कर दिया था, लेकिन केएल राहुल ने वो कैच छोड़ दिया और इसके बाद मेहंदी हसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम को ये मैच एक विकेटों से जितवा दिया। जहां बांग्लादेश की टीम ये मैच 46 ओवर में जीती और मेहंदी हसन मिराज 39 गेंदों में 38 रन बनाकर नॉट आउट रहे और इन्होंने बांग्लादेश की टीम को इस मैच में जीत दिलवा दी। जहां बांग्लादेश की टीम ये मैच पूरी तरह हार गई थी, लेकिन एक गलती की वजह से भारतीय टीम ये मैच हार गई है। जहां भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज को 3 विकेट हाथ लगी, तो कुलदीप सैन और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट झटके और दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर ने 1-1 विकेट लिया।